नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हड्डी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन में हमने देखा है कि एक अच्छी रैली निकलती है, सामने आ रही है। विदेशों में भी सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा भी अब धीरे धीरे तेजी की ओर जाता नजर आ रहा है। 6650 का तक का तो हाई हम देख चुके हैं। वहीं यूएस सोयाबीन भी $1580 के ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सत्र में। ऐसे में आपको क्या लगता है आने वाले समय में अब यहाँ से सोयाबीन का बाजार कैसा रह सकता है? सोयाबीन जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तेजी फिलहाल रुकी हुई है। अभी 6800 से 7000 का स्तर सोयाबीन में आ जाना चाहिए था और अभी बाजार जो है काफी सुस्त है। और जहां तक ओवरऑल फंडामेंटल की बात है तो बाजार काफी सपोर्टेड है। अमेरिका में अमेरिकी सोयाबीन के एक्सपोर्ट्स में भी हमें इजाफा देखने को मिला है, तो लगातार जो फंडामेंटल सिनेरियो है वो काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे चलकर मुझे लगता है कि कीमतों में सपोर्ट आ सकता है और प्राइस एक बार 7000 का स्तर छूते हुए नजर आ सकते हैं। जी रूपा जी, बात करें यहीं से अगर M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कीमतें तो अट्रैक्टिव हैं, थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली थी और इस बार ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही है रूपा जी की कॉटन की जो कीमतें हैं ज्यादा देखने को मिली, इसकी वजह से इस बार की जो क्रॉप होगी उसमें किसान इसका रकबा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर रकबा बढ़ता है तो क्या कॉटन की कीमतों पर कुछ असर देखने को मिल पाएगा? देखिए, कॉटन की कीमतें डेफिनेटली ये जो प्राइस इस साल देखने को मिले हैं ये प्राइस में भी नेक्स्ट ईयर हमें देखने को ना मिले, और अब यहाँ से मुझे लगता है कि करेक्शन का दौर चालू हो चुका है। अभी यहाँ पर माल को रोकना नहीं चाहिए, निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब करेक्शन की तरफ मार्केट गया तो वापस से कीमतें वही 7-8 हजार के आसपास आकर रुक सकती हैं। तो यही इसका एक बेस है, इसी बेस पर फिलहाल बाजार ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और आगे भी जिस तरीके से इस बार प्राइसेस देखने को मिले हैं, डेफिनेटली अगले साल प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। इस बार प्रोडक्शन काफी कम था जिसकी वजह से कीमतों को इतना सपोर्ट आता हुआ हमने देखा, और अब यहाँ से अगर हम प्राइसेस की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइसेस करेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बिकवाली की तरफ रहना चाहिए या फिर थोड़ा सा दूरी बना के रखें, फ्रेश बाइंग को अवॉइड करना चाहिए और जो माल रखा है उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जी, इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वादा देखने 3205 पर है, 3198 का भी लो लग चुका है। रूपा जी देख रहे हैं बिनौला खल एक बार फिर से रेंज बाउंड होने की कगार पर है, ऐसे में आपको क्या लगता है बिनौला खल में अब जो अच्छी तेजी है वो कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, अब अगर कॉटन बहुत ज्यादा लुढ़क जाती है तो फिर बिनौला खल में भी उसका दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार जो है अभी लग रहा है 3000 से 3300-3400 मैक्सिमम अपसाइड में बना रह सकता है। अभी सस्टेन होगा यहीं पर 3100-3200 की रेंज के अंदर। अब एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपसाइड में जा सकता है और ऊपर में एक बार हो सकता है आपको 3280 से 3320 का स्तर देखने को मिले। अब थोड़ा सा तेजी जो है वो थमती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर ग्वार की, तो देख रहे हैं ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों का जो वायदा बाजार है ऊपरी स्तरों पर एक रेंज में हो रखा है, अपसाइड रेंज देखने को मिल रही है ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी करेक्शन बनेगी? देखिए, ग्वार में अभी यहाँ से करेक्शन आना थोड़ा सा पॉसिबल भी है कि आ भी सकती है, लेकिन जिस तरीके से सस्टेनेबिलिटी आ रही है उस हिसाब से टेक्निकली तो मुझे लग रहा है कि चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है और अब यहाँ से 12000 के ऊपर सस्टेन होता है अगर मार्च वायदा तो तेजी बनी रह सकती है। और वहीं सीट की भी बात करें तो 6300 के से लेकर मैक्सिमम 6500 तक है, लेकिन आप कह सकते हो कि स्लोली ये तेजी बनती हुई दिखाई देगी, एकदम से अभी फिलहाल रैली रुकती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बाजार कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ से पिकअप आ सकता है जो कि ऊपर में अगर 12000 के ऊपर सस्टेन हुआ तभी एक लंबी तेजी बनती हुई फिर से दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, इसे बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया 11000 के ऊपर सस्टेन है, हल्दी 9800 के ऊपर और जो जीरा है 21000 के ऊपर। रूपा जी देख रहे हैं कि मसालों में आज भी अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हल्दी की बात करें तो हल्दी में थोड़ी सी नरमी है, लेकिन जीरा और धनिया लगातार तेजी की ओर ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है धनिया में और जीरे में अब आगे क्या कीमतें रह सकती हैं?
देखिए धनिया और जीरे में तेजी का ही रुझान है। हल्की फुल्की करेक्शन के बाद अगेन मार्केट जो है ऊपरी साइड पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जीरा जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 22,000-22,500 का स्तर एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। वहीं धनिया भी 12,000 तक ऊपर जा सकता है। एक हल्दी है थोड़ा सा प्रेशर में रह सकती है, प्रेशर इन द सेंस की बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है और बहुत ज्यादा तेजी सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रही है। मार्केट जो है इसका 9800 से लेकर नीचे में 9500 है मैक्सिमम डाउन साइड और ऊपर में 10,200 से 10,800 फिलहाल ये रेंज इसकी हल्दी की बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जीरा और धनिया ये दोनों कमोडिटी फिलहाल तेजी में बने रह सकते हैं। जी रूपा जी बात करें अगर कैसे सीड की तो कैसे सीड देख रहे हैं 6,960 से 6,960 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1% की बढ़त कैसे के अंदर देखने को मिल रही है। रूपा जी आपको क्या लगता है क्या इस बार कैसे 7,000 का भी आंकड़ा पार कर सकता है, 7,100 या 7,200 के भी लेवल्स कैसे देखने को मिल सकते हैं अब? देखिए बिल्कुल 7,000 का आंकड़ा कैस्टर पार कर सकता है और मार्च वायदा में ये तेजी आई है। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्च वायदा 7,000 तक ऊपर जा सकता है और 7,000 के ऊपर निकला तो फिर 7,200 तक की तेजी बन सकती है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगी। अभी फिलहाल 7,000 तक का स्तर आप लेकर चल सकते हैं। जी रूपा जी बात करें यहाँ से अगर एडिबल ऑयल्स की तो दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार खाद्य तेलों को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ में करंट पोजीशन पर फिजिकल में लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक करना चाहिए क्या? देखिए नहीं अभी आप थोड़ा सा वेट करें, मेरे हिसाब से अभी आप पोजीशन नहीं बनाना चाहिए और लॉन्ग टर्म तो स्टॉक बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि करेक्शन अभी मार्केट में आ सकता है और अभी जिस तरीके से तेजी रुकी हुई है वो हो सकता है कि यहां से बाजार सस्टेन करके वापस से गिरावट में जाए तो फिलहाल फिजिकल बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। जी रूपा जी टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे अब जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि कैस्टर 7,000 का स्तर छू सकता है तो कैस्टर में बाइंग करके चला जा सकता है। सेम एज इट इज जीरे में भी बाय कर सकते हो। जीरा आज इंट्राडे में 21,500 से 21,800 तक ऊपर तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल आ रहा है कि ब्राजील में कल हैवी रेन और फ्लड आया है तो सोयाबीन रेट पर क्या इंपैक्ट होगा? आपको बता दें ये ब्राजील में रियो दे जेनेरियो नाम की जगह है वहाँ पर आया और सिर्फ एक ही जगह पर आया है, पूरे ब्राजील में देखने को नहीं मिला है। और अगर बाई चांस पूरे ब्राजील में भी हो जाए तो इस सूखा इतने समय से चल रहा है कि एक दिन की बारिश कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाली। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और इस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान।